नमस्कार प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने बेहद ही खास कार्यक्रम समय संकेत में। दर्शकों, एक बार फिर हम आपके पास उसी विषय को दोहराने आए हैं जिस विषय पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, माँ बगलामुखी के बारे में। दर्शकों, बहुत से लोगों ने हमें फोन किया है कि माँ बगलामुखी की साधना कैसे करनी चाहिए, उसके किससे साधना लेनी चाहिए और किस प्रकार से हवन करना चाहिए। मेरे प्रिय दर्शकों, माँ बगलामुखी की साधना करने का बिल्कुल अलग अलग विधान है। आप किस लिए कर रहे हैं? क्या आपको राजनीति में जीत चाहिए? क्या आपको अपने शत्रु को परास्त करना है? क्या आप अपने रोग को नाश करने के लिए माँ बगलामुखी की साधना कर रहे हो? या मेरे दर्शकों, आप माँ बगलामुखी की साधना किसी के आकर्षण के लिए कर रहे हैं, या आप माँ बगलामुखी की साधना अपने संतान रूप के लिए कर रहे हैं? हर चीज का दर्शकों अलग अलग विधान है। सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो आप माँ बगलामुखी का मंत्र जाप करते हैं, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवा किल्ले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं हुं स्वाहा, इसके शुरुआत में और लास्ट में जो हम ह्रीम शब्द का उपयोग करते हैं, वो हमने दर्शकों जब ही करना है जब हम शत्रु को पूरी तरह से परास्त करना चाह रहे हैं, जब हमें शत्रु का पूरी तरह से विनाश करना है, या फिर सामने वाले अपने शत्रु को अपने वश में करना है। अगर हमें ऐसा नहीं करना तो दर्शकों फिर हमें शुरुआत में और अंत में ह्रीम शब्द का उपयोग नहीं करना, क्योंकि आप भी जानिए दर्शकों, अगर आप बगलामुखी माता का मंत्र जाप करते हैं तो वो कोई एक या दो दिन का कार्य नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने माँ बगलामुखी का जाप शुरू किया, दो दिन में आपने उसका अंत कर दिया। आपको कम से कम शत्रु विनाश के लिए, किसी शत्रु को अपने वश में करने के लिए 40 दिन का पूरा अनुष्ठान करना होगा, और वो भी दर्शकों आपको संकल्प लेकर ही करना है। ऐसा नहीं किसी विद्वान, किसी ज्योतिष के संपर्क में आकर के उनसे साधना लीजिए, दीक्षा लीजिए, उसके बाद संकल्प लेकर के 40 दिन का अनुष्ठान कीजिए। 40 दिन के अनुष्ठान में आपने बिल्कुल सात्विक रहना है, और साथ में जैसा मैंने आपको पहले से ज्ञात करा दिया है कि जब भी आप माँ बगलामुखी की साधना करेंगे, उस समय कोशिश करना है कि समय जो है रात से रात का 10 से 2 बजे के बीच का समय होना चाहिए। आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं, पीला ही आसन होना चाहिए, माँ बगलामुखी को आपने पीले फूल चढ़ाने हैं, पीली ही मिठाई का भोग लगाना है, और जिस प्रकार से आप साधना कर रहे हैं दर्शकों, उसमें क्या कारण है उसके अनुसार आपने दिया जलाना है। पीली सरसों के तेल का दिया जलाना है, घी का दीपक जलाना है, आपने किसका दीपक जलाना है, ये निर्भर करता है कि आप माँ बगलामुखी की साधना कर क्यों रहे हैं। शत्रु विनाश के लिए कर रहे हैं, या फिर आप अपने किसी कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं, आकर्षण के लिए कर रहे हैं। आपके पास अपना विषय होना चाहिए कि आप माँ बगलामुखी की साधना कर क्यों रहे हैं। इसी प्रकार दर्शकों, हवन का भी वैसे ही विधान है कि आप जब भी हवन करेंगे माँ बगलामुखी का, जब आपका 40 दिन का अनुष्ठान पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको माँ बगलामुखी का हवन भी करना है। अब हवन भी उसी विधि से है कि आपने जिस विषय के लिए माँ बगलामुखी का संकल्प लेकर के 40 दिन का अनुष्ठान किया है, तो उसी अनुसार आपने हवन भी करना है। हवन भी हम आपको बताएंगे कि हर प्रक्रिया के लिए हवन में आपने क्या क्या यूज करना है। आप बस इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखते रहिए कि आपका क्या कारण है और उस कारण के निवारण के लिए आपने दर्शकों हवन करना किस चीज से है। प्रिय दर्शकों, अगर बात करें हवन की, जैसे ही आपका अनुष्ठान पूरा हो जाता है, उसके बाद निर्भर करता है कि आप जिन्हें जो अनुष्ठान किया था वो किस विषय के लिए किया था। अगर दर्शकों आपने अनुष्ठान किया था राजनीति में जीत के लिए, कि आप अगर पॉलिटिक्स में है, कोई सांसद है, मंत्री है, आप उसके लिए माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करते हैं, तो आपको हवन के समय क्या उपयोग करना है। आपको दर्शकों हवन के समय तिल और गोगल, इन दो चीजों का जरूरी तौर पर आपने सम्मिलित करना है अपने हवन के अंदर। दर्शकों, अगर आप कर रहे हैं माँ बगलामुखी का अनुष्ठान जेल से मुक्ति के लिए, अगर आपको जेल की यात्रा हो गई है, या आपका अपना कोई जेल के अंदर है, या आपको लगता है कि मेरे ग्रह के अंदर क्लेश का वातावरण बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, या कोई बाहर का इंसान ऐसा है जिसके कारण मेरे घर के अंदर प्रतिदिन झगड़े होते हैं, मेरे पति या किसी से कोई अफेयर है, मेरी पत्नी कहीं बाहर गलत है, हमें किसी भी तरह का कोई भय है जिसके कारण हमारे घर के अंदर ग्रह क्लेश बना हुआ है, तो उस परिस्थिति में दर्शकों क्या करना है, आपने गूगल, लोहबान, काली मिर्च, समझो काले तिल, और साथ में अगर संभव है दर्शकों तो मेरा मानना है आपको गूगल की मात्रा ज्यादा ऐड करनी है। अगर आपके घर में क्लेश का वातावरण ज्यादा बना हुआ है, उससे क्या रहेगा, घर में शांति का वातावरण बना रहेगा, और माँ बगलामुखी अगर आपका कोई अपना जेल के अंदर है, या आपको एक भय सता रहा है कि मैं जेल के अंदर चला जाऊंगा, मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य हो गया है,
तो आपने उसका संकल्प लिया होगा, तो आपने इन सभी चीजों को उसके अंदर सम्मिलित करना है। दर्शकों, अगर आप माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करते हैं रोग नाश के लिए, अगर आपको लगता है कि माँ बगलामुखी का जो मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ वो रोग नाश के लिए कर रहा हूँ, तो आपको सम्मिलित करना है गूगल को और घी को। गूगल को सम्मिलित कीजिए और साथ में घी को सम्मिलित कीजिए। अगर आप कर रहे हैं शत्रु विनाश के लिए, आपको लगता है कि मुझे अपने शत्रु का विनाश करना है, शत्रु को परास्त करना है, या शत्रु को अपने प्रति इतना वश में कर लेना है कि वो मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रहार ना कर पाए, तो आपने अपने हवन के अंदर शहद और घी को सम्मिलित करना है। शहद को आपने इसलिए सम्मिलित करना है ताकि जो शत्रु आज तक आपके लिए बुरा सोचता आ रहा था, उस शत्रु की बुराई में भी मिठास आ जाए, उसकी वाणी में मिठास आ जाए, वो आपके लिए बुरा बोल ना पाए। क्योंकि दर्शकों, माँ बगलामुखी के मंत्र में एक चीज बड़े आप अच्छे से समझिए कि ओम हिम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम, सब दुष्टों को देखिए, मुखम पदम स्तंभ जीवा किल्ले बुद्धिम विनाश्या इमं स्वाहा, कि जो सामने वाला शत्रु है जिसके लिए मैंने संकल्प लिया है वो मेरे बारे में जब भी बुरा सोचे, बुरा सोचने से पहले ही जीव कटे, यानी वो इंसान मेरे बारे में किसी भी तरह की बुरी प्लानिंग कर नहीं पाए। तो आपने इस चीज को खासतौर पर ध्यान रखना है कि आपका संकल्प था किस चीज का। दर्शकों, अगर आप माँ बगलामुखी का संकल्प करते हैं किसी के आकर्षण के लिए कि कोई इंसान मेरी बातों से, मेरे काम से मेरे प्रति आकर्षित हो, मेरे प्रति अट्रैक्ट हो, तो उसके लिए आपको माँ बगलामुखी के हवन में पीली सरसों का उपयोग करना। आपको और कोई अलग चीज सम्मिलित करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ पीली सरसों को सम्मिलित कीजिए। दर्शकों, अगर कोई मेरी बहन बेटी जिसको संतान सुख नहीं है या संतान सुख में देरी हो रही है या उसको लगता है बार बार उसका गर्भपात हो रहा है, तो उसको क्या करना है, उसको दूध मिश्रित चावल, खासतौर पर जो दूध से मिश्रित चावल है उनको उपयोग करना है। साथ में अगर संभव हो तो अशोक के पत्ते लीजिए, वो बहुत जरूरी है संतान सुख के लिए। अशोक के पत्ते लीजिए, दूध मिश्रित चावल लीजिए और आप कुछ मात्रा में तिल उपयोग कीजिए। इन सब को उपयोग करके फिर आपने माँ बगलामुखी का हवन करना है 40 दिन के अनुष्ठान के पश्चात, मेरा मानना है संतान सुख की प्राप्ति होगी। दर्शकों, एक बात बहुत अच्छे से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी का भी बुरा करके अपना भला आज तक इस संसार में कोई नहीं कर पाया। अगर कोई भी ज्योतिष, कोई भी विद्वान आपको ये कहता है कि आप शत्रु को मारने के लिए माँ बगलामुखी की आराधना कीजिए, तो कृपया करके आप उससे बचे रहिए। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको सिर्फ क्या करना, आप इतना सोचिए कि मेरा बचाव हो जाए, मैंने उसका गलत नहीं किया। कबीर दास जी के एक बड़ा ही सुंदर दोहा है, दुर्बल कबू ना मारिए जाकी मोटी हाय, बिन जीवा की सांस तो लोह भस्म हो जाए। कि दुर्बल इंसान पर प्रहार नहीं करना, आपने प्रहार किस पर करना है, जिसने आपका बुरा किया, जो आपके लिए बुरा चाह रहा है, जिसने आपकी आंखों में आंसू निकाल दिए, वो शत्रु आपके लिए बन चुका है, जिसके लिए आप बगलामुखी माता की साधना करोगे, संकल्प लेके अनुष्ठान करोगे। और फिर भी दर्शकों, मैं तो अंत में आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि किसी के मार्गदर्शन के बिना कोशिश कीजिए कि आप इस प्रक्रिया में आगे ना बढ़े, क्योंकि ये कोई खेल नहीं है कि आपने दो दिन किया, एक दिन नहीं किया, आपने किसी से दीक्षा नहीं ली, आपका जैसा मन था आपने वैसे किया, इससे क्या होगा दर्शकों, करने चले थे सीधा और उल्टा हो गया, है ना। तो इससे बेहतर है कि ना करें। अगर नहीं संभव, आपको लगता है मैं प्रतिदिन 40 दिन तक नहीं कर पाऊंगा या 10 बजे के बाद मुझ पर कोई संदेह करेगा कि मैं ये क्या कर रहा हूं, तो गलत करने इसकी बजाय आप ना करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है, या किसी विद्वान से कराइए, उससे दीक्षा लेकर अगर आप कर सकते हैं तो आप कीजिए, मेरा मानना है वो ज़्यादा बेहतर होगा। अंत में दर्शकों, आपको इतना ही कहूँगा कि माँ बगलामुखी, आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने माँ बगलामुखी पर विश्वास किया हो, अपने आप को उसको सौंप दिया हो और माँ बगलामुखी ने उस पर कृपा नहीं की हो। माँ बगलामुखी को चाहिए क्या, आपका आस्था और विश्वास। अगर आपने अपनी आस्था और विश्वास माँ बगलामुखी के प्रति दिखा दी, तो असंभव मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि आपका कार्य कभी भी खाली नहीं जाएगा। जो संकल्प लेकर के आपने अनुष्ठान किया है, हवन किया है, वो कार्य सिद्धि आपकी कुछ दिनों के अंदर होगी, महीनों की बात नहीं कर रहा, दिनों के अंदर होगी, परंतु आपकी आस्था विश्वास भरपूर रहना चाहिए माँ बगलामुखी के प्रति। ठीक है दर्शकों, आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम और इसी विषय पर चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री बालाजी महाराज।